गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। यूनिट नंबर फोर में दो टॉपिक है, सेक्शनल बैलेंसिंग और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी मोस्ट है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वाला जो टॉपिक है, ये अपने को तैयार करना है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी आपको पता है जो बड़े क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में आते हैं, तो उसके लिए अपने को ये टॉपिक तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में क्या करना है। मेनली तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट क्रिएट करना है। बट हम स्टार्ट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसके अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आपकी सेविंग है उस सेविंग को आप क्या करते हो, अदर या आउटसाइड में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। जैसे आपकी जो सेविंग है बहुत ही कम है तो आप क्या करते हो, बैंक में पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देते हो। उसके लिए वो जो डिपॉजिट करते हो उसके लिए हम कोई सेपरेट अलग से अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं। बट ये हम इन्वेस्टर के रूप में बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का काम करता है, या ये मानिए आप जो शेयर मार्केट का काम करता है, जो शेयर्स परचेज करता है, बॉन्ड परचेज करता है, सोल्ड करता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि आपने किस कंपनी के कितने शेयर परचेज किए हैं, कितने सोल्ड किए हैं, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है अपना अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, इसमें फर्स्ट तो अपने को ये है कि टाइप ऑफ सिक्योरिटीज होती कितने हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में अपनी बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, ये तीन प्रकार की सिक्योरिटीज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, मैं लेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट के जो उत्तर हैं उसके यदि कोई गवर्नमेंट पेपर है, बॉन्ड है, तो वो इसमें आएंगे। तो हम बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट है, सेमी गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट रहेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो हम बात करेंगे, और कॉमर्शियल सिक्योरिटीज है इसकी क्या एडवांटेज रहती है और डिसएडवांटेज क्या है। ये मान लीजिए कि जैसे मिस्टर एक्स है, उसके पास फीस मिस्टर एक्स है उसके पास 10 लाख रुपए हैं, और वो आपसे ये चाहता है कि बताइए कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाए ये पैसे, या सेमी गवर्नमेंट में किए जाए, या कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ये 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स इसमें इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर दे सकते हो कि भी किसके इन्वेस्ट किए जाए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट के जो उपकरण हैं उनके बॉन्ड शेयर्स होते हैं उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में आते हैं। बेनिफिट क्या है, रिस्क नहीं है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखते हो कि गवर्नमेंट है, इसका मतलब आप उसको पूरा बिलीव करते हो, विश्वास करते हो। ठीक है, तो इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे हम बैंक में प्राइवेट बैंक में जमा करवाते हैं तो हम दिमाग में यही क्वेश्चन करते हैं ये प्राइवेट बैंक है, बट हम RBI या गवर्नमेंट उपकरण के बैंक है पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं, तो अपने माइंड में कभी भी ये नहीं आता है इसमें पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराएंगे पोस्ट ऑफिस फेल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम दिमाग में ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आते हैं। इसलिए सेफ पैसा यदि आपको इन्वेस्ट करना है, फिक्स अर्निंग करनी है, किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, अपने पैसे को बिल्कुल सेफ रखना है, तो आप किसी में इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आपको जो डेट बताई उस डेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब भी आपको रिफंड किया जाएगा जो डेट होगी उस पर आपको रिफंड किया जाएगा। तो इस प्रकार से जिसको रिस्क नहीं लेना है,
अपना पैसा सेफ रखना है, ठीक है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से ये सेमी गवर्नमेंट है, ये भी सभी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेफ वाला ही और है, सेमी गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका है, गवर्नमेंट का उपक्रम, ठीक है। इसी प्रकार से सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में उपकरण चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और सप्लाई कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट के तत्वाधान में जो काम करती है, कंट्रोल में काम करती है, वो सभी सेमी गवर्नमेंट के, यही मानिए आप, गवर्नमेंट का ही एक उपकरण होते हैं, इसमें भी रिस्क नहीं है। तो दोनों में ही क्या है, रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है, आपका जो इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल ही सेफ है। तो ये आपको यदि बिल्कुल सेफ रहना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, फिक्स अर्निंग अर्न करनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट टैक्स को आप क्या बोलोगे, ये आप यदि बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, फिक्स अर्निंग चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दीजिए, जो कि गवर्नमेंट के उपकरण होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की रिस्क नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कॉमर्शियल या मैनली दूरी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये है कॉमर्शियल या प्राइवेट बोल दीजिए। तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट है और क्या लॉस, एक तो ये है कि ये गवर्नमेंट का नहीं है तो वैसे तो सेफ है, लगभग गवर्नमेंट के तो जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी, उसका परसेंट हम देखें बहुत कम है, सभी प्राइवेट के हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो लगभग कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट अधिक है, रिस्क भी अधिक है, रिस्क अधिक है इसलिए प्रॉफिट अधिक है, जो रिस्क अधिक लेना चाहते हैं वो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको फिक्स अर्निंग नहीं, अधिक पैसे कमाने हैं, कहने का मतलब ये है कि जिसको बहुत अधिक पैसे कमाने हैं, फिक्स अर्निंग पर जो नहीं चाहता है कि मेरे फिक्स अर्निंग हो, मेरे को अधिक से अधिक पैसा कमाना है, तो आप कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, इसमें अर्निंग अधिक होती है, ठीक है, और रिस्क भी अधिक रहती है, प्राइवेट सेक्टर है इसलिए रिस्क रह सकती है, इसलिए आप ध्यान रखना है कि इन दोनों में मैंने कि इनमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क अधिक है। आपको पता है कि बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क नो गेन, ये आपने सुना होगा बीएडएम में, कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस जो है वो रिस्क का ही खेल है, यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो और अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, और आप नई मशीनरी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको आप यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ये लगता है कि नई टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, नया स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो इसे मेरे अपने कहते हैं कि इसमें कहीं लॉस नहीं हो, तो इस प्रकार की जो माइंड में रखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए रिस्क फैक्टर है वो प्राइवेट में अधिक रहता है और गवर्नमेंट वाले में बिल्कुल कम रहता है या नाममात्र का रिस्क है। इसलिए अब इनमें जो मेन बात सामने आई है वो ये है कि गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इससे क्या होगा, इससे रिस्क बिल्कुल कम है और अर्निंग भी फिक्स है, अधिक नहीं है, फिक्स अर्निंग होगी। और कॉमर्शियल में यदि आप या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो इससे क्या होगा, रिस्क अधिक है बट इससे अर्निंग भी अधिक होगी, प्रॉफिट भी अधिक होगा। तो ये है, अब आपको यदि पूछे कि भाई किस में इन्वेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट में और सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आप बता सकते हो कि भाई कि प्राइवेट में करना चाहते हो तो क्या बेनिफिट रहेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट में करना चाहते हो तो क्या बेनिफिट रहेगा। तो ये सभी के रिस्क जो टेकन करते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, ठीक है, मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट ही है, बट अपने वो तीन पे है, तो सेमी गवर्नमेंट भी इसने दिया है, सेमी गवर्नमेंट भी अपन बता ये कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट लगभग एक जैसा ही है, इसमें रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता है और
प्राइवेट है, कॉमर्शियल है, इसमें रिस्क अधिक है, इसलिए प्रॉफिट भी अधिक होता है। तो ये अब इसके अकाउंटिंग किस प्रकार से है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का हो सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग इसके अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट है वो कितने प्रकार का हो सकता है वो हम बात करेंगे भी। तो आप टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बारे में तो समझ गए होंगे, हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम बात करें कि खुद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करो कंपनी में, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी, किसी में भी, तो आप दो प्रकार के इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो होता है करंट और एक नॉन करंट, जिसको हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट या करंट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो करंट में क्या होता है, मैक्सिमम 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब फिर समझिए करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपने जो इन्वेस्ट किया है सीएस बॉन्ड में, वो आपका टारगेट है मैक्सिमम 1 ईयर में आप उसको सोल्ड करो, ठीक है। कहने का मतलब आज मैंने परचेस की, 2 महीने बाद पर सोल्ड कर दी, 5 महीने बाद कर दी, मैक्सिमम कितने 12 मंथ में आपने जो परचेज किया था इन्वेस्टमेंट उसको आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो ये होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है उसको आप कैश में कन्वर्ट करोगे मैक्सिमम 12 मंथ में, ठीक है। जैसे आज परचेज किया, कल सोल्ड कर दिया, क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, ठीक है। आज जो परचेज किया आपने 5 महीने बाद सोल्ड किया, क्या हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज परचेज किया आपने और 12 महीने के बाद परचेज किया और सोल्ड किया है, तो उसको आप क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म बोलोगे, क्या शॉर्ट टर्म नहीं हो गया है, लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आपने परचेज करके विद इन 12 मंथ में ही सोल्ड कर दिया है, डेट इज करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया था उसको विद इन 12 मंथ में ही सोल्ड कर दिया है, तो उसको आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आपने अपने पास 12 मंथ के लिए या इससे अधिक के लिए रखा है और उसके बाद सोल्ड किया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो सभी क्या है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। जिसको विद इन 12 मंथ आपने सोल्ड नहीं किया है या मोर देन 12 मंथ आपने सोल्ड किया है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका आपने इन्वेस्ट करके 12 महीने तक उसको सोल्ड नहीं किया है, उसके बाद आप सोल्ड करोगे, ठीक है। 12 महीने के बाद कभी भी कर सकते हो, तो वो लॉन्ग टर्म है। कहने का मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको कैश को कन्वर्ट करने में 12 मंथ से अधिक टाइम दिया है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, आपको ये देखना है परचेजिंग की डेट देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट आपने कब परचेज किया है उसकी डेट देखिए, और सोल्ड कब किया है उसकी डेट देखिए, उसका ड्यूरेशन देखिए, विद इन 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म है और 12 मंथ से मोर देन 12 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म है। इस प्रकार से अपने को डिसीजन करना है
कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कहानी थी, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में बात किया कि करंट इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो। इसमें कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये होती क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने किसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन। तो कुछ इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है जो आप इन्वेस्ट करके इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो, जैसे लैंड परचेज की, ठीक है, मशीन परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, आप उसको इन्वेस्ट किए पैसे और उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक लेते हो। तो इसके लिए अलग से कोई अकाउंट की है नहीं, अपने पास तो जो बॉन्ड है, शेयर्स है, उनके ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। लेकिन है फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है कि मान जैसे आपने 10,000 शेयर्स इशू किए और उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 100, तो ये इसकी फेयर वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि ये आपको 1500 रुपये मार्केट में मिली, ठीक है, दैट इज मार्केट वैल्यू। जो ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें आप परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है जो कंपनी ने अपने यहाँ से इशू किए थे उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज फेयर वैल्यू। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन है दलाल के माध्यम से आप क्या करते हो, उस शेयर्स को परचेज करते हो, सोल्ड करते हो, ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है इसको आप मार्केट वैल्यू के बारे में, जैसे मार्केट में उसकी वैल्यू कितने चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब इशू किया गया उस समय उसकी वैल्यू 10 थी या 100 थी, 1000 थी, तो वो तो है ओरिजिनल वैल्यू जब इशू किए थे उस समय। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट के रूप में परचेज सोल्ड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, और डिविडेंड मिलता है। ये फेयर वैल्यू पर क्या मिलता है, आपको डिविडेंड चार्ज किया जाता है। जैसे मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर्स है और फेयर वैल्यू इसकी है वो है, ठीक है, कितने, 100, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं इसकी वैल्यू होगी कितने, 10,00,000, तो उसको डिविडेंड 10,00,000 पर चार्ज किया जाएगा। जैसे 5% डिविडेंड देना है तो ये वो इस वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर उसको क्या किया जाएगा, डिविडेंड चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अब इसकी फेयर वैल्यू चल रही है मार्केट वैल्यू 1500, तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 10,000 कंपनी के शेयर हैं, 15 करके 1500 करके और मेरे को 1.5 पर डिविडेंड दिए जाए, ठीक है। कंपनी डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है वो फेयर वैल्यू पर दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड नहीं दिया जाता। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि इस पर आप अपने शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर को सोल्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, उस टाइम की वो वैल्यू होती है, क्लियर। तो उस टाइम की वो वैल्यू होती है, उस पर आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता, जो कि फेयर वैल्यू से अधिक होती है। तो ये फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू की कहानी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको पता है अपने। अब है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो इसके लिए तो नॉर्मल है भी। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का मतलब है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट को कितने में परचेज किया है, दैट इज परचेजिंग कॉस्ट ही क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे आपने एक बिल्डिंग परचेज की, आपको कहे कि इसकी कॉस्ट कितनी है, आपने जो पेमेंट किया है उसकी है परचेज कंसिडरेशन है, दैट इज उस बिल्डिंग की जो है वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार से जो शेयर्स, बॉन्ड आपने परचेज किए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू के लिए इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो आपने कितने में परचेज किए हैं। जैसे मैंने 100 से परचेज किए हैं, पर शेयर की रेट है वो 100 है, 1000 है, तो मैं उसको क्या करूँगा, जो यूनिट है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी जो भी परचेजिंग प्राइस है वो बताएंगे, वो कॉस्ट,
ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ब्रोकरेज है, फीस है, ड्यूटी दे रखी है, तो ये भी अपने को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से टोटल रिटर्न बताती है कि टोटल खर्चा कितना है। समझ में आ गया? जैसे आपने एक कार परचेज की, अब कार की जो वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख है, अब उसके टैक्स, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस के हैं, ठीक है, एसेसरीज के हैं, वो उसमें ऐड करने के बाद आपने बताया कि भी आपको कहेगी इससे आपकी कार की वैल्यू कितनी है, आपको भी 650, ठीक है। अब मैं कहूँगी भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 5 लाख, आपको भी इसमें रोड टैक्स भी शामिल है, इसमें इंश्योरेंस भी हमने इंक्लूड किया है, ब्रोकर को भी दलाल था उसको भी हमने दी है, इस प्रकार से सभी का टोटल करके आप बताओगे कि 650 में ये गाड़ी हमने परचेज की है, तो हमारी जो कॉस्ट है उस गाड़ी की वो 650 है, ठीक है। आप 5 लाख नहीं बताओगे क्योंकि जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उस पर वो भी उसमें आप क्या करोगे इंक्लूड कर दोगे। समझ में आ रही है ना बात? तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको बताएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ब्रोकरेज जो ब्रोकर होता है जो शेयर मार्केट से हमें शेयर परचेज करने सोल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है, वो ब्रोकर होता है। उस ब्रोकर को आप जो कमीशन देते हो उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है, उसको कमीशन नहीं बोलते। नॉर्मल एजेंट को आप जो प्राइस देते हो दैट इज कमीशन, और यहाँ पर शेयर मार्केट में जो शेयर्स का ट्रांजेक्शन करवाता है उसको हम ब्रोकर बोलते हैं, और उसको ब्रोकरेज के रूप में तब इनाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। इसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी भी लग जाती है, स्टाम्प ड्यूटी है। अब ब्रोकर है तो ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज दी है, ब्रोकरेज दी है तो आपको उस पर क्या करना है, GST चार्ज करनी है, कितने 18%, ठीक है। ब्रोकर है जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस पर भी, अब पहले सर्विस टैक्स था उसका नाम क्या था, सर्विस टैक्स, और अब उस पर क्या किया जाता है, GST चार्ज की जाती है, कितने परसेंट, 18%। ये अपने करंट में अपने को याद रखना है GST की रेट ब्रोकरेज पर कितनी है, ब्रोकरेज पर ये GST की रेट है, ठीक है। GST आई थिंक सभी को पता होगा कि GST क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आप थर्ड ईयर में जब पहुंचोगे तो अपना एक पेपर है पूरा GST का, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। और नॉर्मल में आपको पता है GST, अब ये GST में अपने को इस वर्ष अपने को जो GST लगानी है ब्रोकरेज पर वो 18% लगानी है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। आपके पास जो बुक है उसमें अलग अलग है, किसी में 15%, किसी में 12%, तो ये एवरी ईयर क्या होता है, चेंज होती है टैक्स की रेट है, तो टैक्स की रेट ये चेंज रहती है, तो आप याद रखना कि GST ब्रोकरेज पर कितने लगानी है, 18% लगानी है। अभी GST में आपको पता है कि ये 18% में क्या होता है, 9% और 9%, ठीक है। SGST और ECGST, ठीक है, 50% यहाँ पर और 50% यहाँ, ठीक है। जो आपने रेट लगाई है उसमें 50% तो कहाँ से ला जाता है, SGST में, और 50% जाएगा CGST, ठीक है। S कम है स्टेट, C कम है सेंट, तो जो भी टैक्स की कार्रवाई होगी उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो GST के बाद हम बात करते हैं कम इन इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये भी दो मेन पॉइंट है, कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस। जब भी आप परचेज करोगे तो कम इंटरेस्ट प्राइस परचेज किया जाता है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस परचेज किया जाता है। जब भी हम शेयर्स बॉन्ड को सोल्ड करते हैं तो भी
सोल्ड करने में भी आप कम इंटरेस्ट सोल्ड कर सकते हो, एक्स इंटरेस्ट सोल्ड कर सकते हो। इसलिए स्टूडेंट अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होती है। अब कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इस ये भी आप इसमें आपको पता है कि मीनिंग क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आपको जॉइंटली आपने कर दिया है, अलग से नहीं देना है, सेपरेटली उसको अलग से पेमेंट नहीं करना है। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको जो इन्वेस्ट हमने किए हैं पैसे, उसमें आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी अलग से करना होगा। ठीक है, तो कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट है इंक्लूड, जो आपको टोटल पेमेंट किए हैं उस पेमेंट में इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूड है। और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है वो अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। आपको ये सर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से नहीं देना है। ठीक है, जो आपने पेमेंट दिया है उस टोटल पेमेंट में विद इंटरेस्ट है। और एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पेमेंट भी आपको अलग से करना होगा, सेपरेटली देना होगा। ठीक है, अब आपके समझ में नहीं है तो फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने क्या किया है, कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए हैं, मार्केट वैल्यू आप मान लीजिए 90 है, मार्केट वैल्यू कितनी है 90 है, तो इसने परचेज किए हैं, ये इसकी क्या है प्राइस है। ठीक है, ये क्या है परचेजिंग प्राइस, 1000 शेयर परचेज किए हैं, रेट कितनी है 99, तो 99 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इसकी परचेजिंग प्राइस है। प्लस कंपनी ने कहा कि इसमें इंटरेस्ट पे भी है 820 रुपये। ठीक है, तो टोटल हो गया 99,820, ये प्राइस रखते हो आप, तो इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का जो है वो भी मैंने शामिल करके बताया कि परचेजिंग प्राइस आपकी दिस वन, तो ये तो है कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मैंने काउंट किया और वो आपको इसमें शामिल करके बता दिया कि टोटल पेमेंट आपको 99,820 पेमेंट करना है, तो ये कम इंटरेस्ट प्राइस बताई है मैंने आपको। अब एक्स इंटरेस्ट होता तो क्या होता, एक्स इंटरेस्ट में परचेजिंग प्राइस आपको ये बताई थी। ठीक है, और इंटरेस्ट है वो अलग से, तो हम उसका बिल कैसे बनाएंगे, 99,000 परचेजिंग प्राइस कितने की है, 1000 यूनिट परचेज किए हैं 99 के अकॉर्डिंग, फिर आप बोलोगे एड इंटरेस्ट अमाउंट अलग से बताओगे उसको, और फिर टोटल बताओगे जी टोटल। ठीक है, परचेजिंग प्राइस नहीं लिखी हमने, क्या लिखा है टोटल अमाउंट कितना है 99,820, और उसमें डायरेक्टली गए टोटल परचेजिंग प्राइस बताई है। ठीक है, और एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक्स इंटरेस्ट कितना है, एक्स इंटरेस्ट में बताया कि यूनिट के तो वो परचेजिंग प्राइस तो ही है, इसमें इंटरेस्ट और ऐड किया है अलग से, सेपरेटली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके हमें बताई है कि इंटरेस्ट भी अलग है, इसको अलग से पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है वो याद रखना है। सेक्शन ए है, उसके लिए भी ये क्या है मोस्ट। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, आई थिंक सभी को पता है। सेक्शन ए है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं 10, उस 10 में ये आपको मिलेगा, मोस्ट लगाया है तो आपको छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है बट मीनिंग ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट।
तो अभी जो डिफाइन किए हैं और हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन में भी अपने को ये ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में और मैन जो अपने माइंड में रखना ही है जब भी हम कैलकुलेशन करें कि भी एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को लेस करना है, ठीक है। कम इंटरेस्ट है तो उसको अलग से कैलकुलेशन करके बताना है। जैसे मैंने ये डिपॉजिट प्राइस है और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की सेपरेट कैलकुलेशन करके बताना, और कम इंटरेस्ट में लेस करना, ये ध्यान रखने वाली बातें अपनी हैं, उनको अपने को ध्यान रखना है। और ब्रोकरेज के बारे में आपको बता दिया मैंने। ब्रोकरेज में जैसे ही ब्रोकरेज चार्ज करोगे आप GST भी चार्ज की जाएगी, ठीक है। जहाँ भी ब्रोकरेज आएगा तो उसके बाद उस पर GST चार्ज करनी है। ब्रोकरेज अपने को देगा, अब ब्रोकरेज देगा तो अपने को GST के बारे में बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए ना तो भी आप चार्ज करना है GST, क्योंकि जब भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो सर्विस टैक्स लगता था, अब उस सर्विस टैक्स को आपको सबको पता है कि सभी टैक्स हटा के उसका नाम क्या लिखती है, GST। तो GST अपने को चार्ज करनी है 18% ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज क्वेश्चन में नहीं है तो GST भी आपको नहीं लगानी है, ठीक है। एक स्टाम्प ड्यूटी होती है, तो स्टाम्प ड्यूटी क्या है, कैसे काम करती है, तो देखिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोर्ट अपने को उसको क्या करती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वहाँ नोट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे लैंड परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, मोटर कार ये व्हीकल परचेज करते हैं, तो कोर्ट में क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी लिखी जाती है, उस स्टाम्प पर लिखा जाता है, तो वही स्टाम्प ड्यूटी है। तो आपने ट्रांजेक्शन किए, आपने शेयर परचेज किए, सोल्ड किए, तो ट्रांजेक्शन में ना तो स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, ये भी एक्सपेंसेज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये स्टाम्प ड्यूटी के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दे रखा है तो एक्सपेंसेज है, उसको कॉस्ट में शामिल करना। तो इस प्रकार से जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो परचेजिंग प्राइस, या सोल्ड करते हो तो सेलिंग प्राइस, ये अपने को कैलकुलेट करनी होगी। और इनकी एंट्री क्या होगी, एंट्री तो बिल्कुल आसान है, मैं आपको कहूँ कि बिल्डिंग परचेज किए क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग दिया बैंक, अब इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इन्वेस्टमेंट दिया तो बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया तो बैंक, एंट्री नॉर्मल एंट्री है तो एंट्री के लिए ये है। और जैसे आपने इंटरेस्ट भी है साथ में तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया तो बैंक, समझ में आ गया। इस प्रकार से एंट्री बिल्कुल आसान है। आगे आपको जैसे इंटरेस्ट मिलता है आपके पास, ये जो है सिक्योरिटीज इस पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट दिया इंटरेस्ट, इस प्रकार से ये नॉर्मल एंट्री है। तो एंट्री तो आप देख लेना, इसमें कोई आपको एंट्री लिखवाने वाली बात नहीं है। 11th में जो आपने एंट्री की है वो ही एंट्री है, इस इन्वेस्टमेंट परचेज के आप देख पा रहे इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से एंट्री की है। अब ये तो सभी इस चैप्टर की थीम थी। अब अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो किस प्रकार से अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे, उसके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सभी हम बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन नोट करने हैं, और नोट करने में ये इन्वेस्टमेंट का है तो दो ही ट्रांजेक्शन होंगे, परचेज किया है या सोल्ड किया है, ठीक है। तो परचेज किया है तो दो केस हो सकते हैं, कम इंटरेस्ट परचेज किया है, एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है, ये अपने को देखना है। और सोल्ड किया है तो देखना आपको कम इंटरेस्ट सोल्ड किया है या एक्स इंटरेस्ट सोल्ड किया है, तो ये ट्रांजेक्शन अपने को नोट करने हैं कि परचेजिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, कम इंटरेस्ट कितना है, एक्स इंटरेस्ट कितना है, ये सभी बातें अपने को नोट करके फिर लास्ट में अपने को अकाउंट क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट का, एक इंटरेस्ट का।
ये दो अकाउंट अपने को क्रिएट करने हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसमें अपने को आगे नेट परचेजिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस की कार्रवाई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।